जमीन घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में रांची के पूर्व उपायुक्त आईएएस छवि रंजन की गिरफ्तारी जिन सबूतों के आधार पर हुई है वो चौंकाने वाले हैं। खुलासा हुआ है कि उन्होंने जालसाजी कर खरीदी गई जमीन के म्यूटेशन के लिए 1 करोड़ की रिश्वत ली थी। जानकारी यह भी है कि रांची के न्यूक्लियस मॉल के मालिक विष्णु अग्रवाल ने छवि रंजन के गोवा टूर और प्रवास का खर्चा उठाया था। छवि रंजन से 2 दिनों के दौरान लगभग 18 घंटे तक हुई पूछताछ में ईडी ने इन सबूतों के आधार पर उनसे सवाल पूछे और जब कोई जवाब नहीं दे पाए, इस बीच पीएमएलए कोर्ट ने शनिवार को छवि रंजन को 6 दिन की ईडी की रिमांड पर देने का आदेश दिया है। उन्हें शुक्रवार को बिरसा मुंडा कारागार भेज दिया गया था। माना जा रहा है कि रिमांड पर पूछताछ के दौरान भ्रष्टाचार के कई नए अध्याय खोल सकते हैं। ईडी को जो सबूत मिले हैं उसके अनुसार आईएएस छवि रंजन ने रांची के मशहूर कारोबारी विष्णु अग्रवाल को लैंड डीलिंग में फायदा पहुंचाया था। कहा यह भी जा रहा है कि विष्णु अग्रवाल की छवि रंजन से खूब बनती थी और उन्हें रांची का डीसी बनवाने में भी उन्होंने भूमिका निभाई है। बता दें कि छवि रंजन पर रांची में सेना के कब्जे वाली 4.5 एकड़ जमीन की फर्जी कागजात पर हुई खरीद बिक्री में संलिप्तता का आरोप है। ईडी को जानकारी मिली है कि रांची के तत्कालीन सब रजिस्ट्रार धानसी राम पिंगुआ ने सेना के कब्जे वाली 4.5 एकड़ जमीन का निबंधन करने से इनकार कर दिया था। इसके बावजूद सुनियोजित साजिश के तहत छवि रंजन के निर्देश पर इस जमीन का निबंधन और म्यूटेशन हुआ। जमीन की बिक्री जगत बंधु टी स्टेट की ओर से की गई है। जगत बंधु टी स्टेट कंपनी कोलकाता के व्यापारी अमित अग्रवाल से संबंधित है। यही नहीं, ईडी ने कोर्ट को बताया है कि रांची के बाजरा मौजा की जमीन की खरीद बिक्री में भी जालसाजी की गई है। 29 करोड़ की जमीन की बिक्री सिर्फ 10.15 करोड़ में दर्शाई गई है। हालांकि वास्तविक भुगतान केवल 3.45 करोड़ रुपये का ही दिखाया गया है। छवि रंजन पर लगे भ्रष्टाचार के आरोपों की फहरिस्त पर जमशेदपुर पूर्वी विधायक सरयू राय ने भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने ट्वीट कर कहा है कि छवि रंजन पर कोडरमा डीसी आवास का पेड़ काटने का मुकदमा चल रहा था, तब ये सरायकेला खरसावां जिले के उपायुक्त कैसे बने, किसके प्रभाव में बने? बजरा मौजा अब और तब की कहानी और कारस्तानी के पेंच उजागर करे ईडी, ये सवाल है सरयू राय के। इस भ्रष्टाचार के तार राजनेताओं से भी जुड़ने की संभावना जताई जा रही है। माना जा रहा है कि कई राजनेता इसकी चपेट में आ सकते हैं। ईडी की जांच की आंच खुद तक पहुंचते थे कई नेताओं की रात की नींद गायब है। ये ऐसे नेता हैं जो छवि रंजन से उपकृत होते रहे हैं। इधर ईडी की ओर से छवि रंजन की गिरफ्तारी की जानकारी राज्य के मुख्य सचिव सुखदेव सिंह को दी जा चुकी है। इसके बाद से ही छवि रंजन को निलंबित करने की प्रक्रिया शुरू की गई और देर शाम सरकार ने उन्हें निलंबित कर दिया। जेटीएन न्यूज़ ब्यूरो रांची।